उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद आक्रामक तेवर के साथ मीडिया से रूबरू हुए हैं। साफ तौर पर यही कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक चेहरा सीसीटीवी में कैद हो चुका है, चिन्हित कर लिए गए हैं चेहरे, और पहली बार मिसाल के तौर पर ऐसा हुआ होगा कि इन चेहरों की अपनी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई की जाएगी। देखिए क्या थे तेवर। व्यापक रूप से वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ। इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था और सभी से विनम्र अपील की थी कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। संवाद से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें। लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं, और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है, 8 नवंबर से निरंतर चल रही है। बिना परमिशन के कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकते और प्रदर्शन के नाम पर आप हिंसा करें ये स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं भी सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं बातचीत की और सबको आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वे उपद्रवी तत्वों को, आम जनता को कोई परेशानी न हो, आम जन के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, लेकिन उपद्रवी तत्व जहां पर भी हो सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई भी प्रारंभ करें।